पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा आवश्यक है। महिला नसबंदी की अपेक्षा पुरुष नसबंदी अत्यधिक सरल और सुरक्षित है। अधिकांश जिम्मेदारी महिलाओं पर निर्भर होती है। सरकार की मंशा है कि परिवार की जिम्मेदारी में पुरुषों की भागीदारी हो। पुरुषों को परिवार नियोजन के इस कार्यक्रम को अपनाने के लिए आगे आना होगा। पुरुषों के सहयोग के बिना परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता, यह कहना है प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनुपम का। जी हाँ, आपको बता दें, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल लाइन्स में सास बेटा बहु सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां दंपत्ति को परिवार नियोजन के स्थायी व अस्थायी स्थान के प्रयोग के फायदे बताए गए। परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सास बहु सम्मेलन की जगह अब सास बहु बेटा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में परिवार नियोजन साधनों का प्रयोग कर रहे दंपत्ति व दूसरे बच्चे के जन्म में उचित अंतर रखने वाले दंपतियों से गर्भ निरोधक साधन से जुड़े 12 सवाल किए गए। बादशाही मंडी की रहने वाली श्वेता साहू पत्नी सौरभ साहू ने सभी सवालों के सही जवाब देकर प्रथम स्थान पर रहीं। इसी क्रम में दूसरे स्थान पर बादशाही मंडी की सीमा वर्मा पत्नी राजू वर्मा ने 10 सवालों का सही जवाब देकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किए दंपत्ति को डॉक्टर अनुपम ने जागरूक दंपत्ति को पुरस्कार देते हुए सम्मानित किया। जी, आपको बता दें, परिवार नियोजन से जुड़े सवाल जवाब प्रतियोगिता व खेल प्रतियोगिता के माध्यम से इन्हें जागरूक किया गया है। उन्हें यह बताया गया है कि दो बच्चों के जन्म में पर्याप्त अंतर रखना माँ और बच्चे दोनों की बेहतर सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जब परिवार पूरा हो जाए तो स्थायी साधन के रूप में नसबंदी का विकल्प चुन सकते हैं। ANM सोनी वर्मा, फार्मासिस्ट ऋचा पांडे, आशा कार्यकर्ता नीलम साहू, शेखा उषा समेत अन्य सहायक भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।